something big is coming over the 9th of December, that too free of cost. तो बहुत आसानी से सुनो, मैं आपको लिस्ट बना के दे रहा हूं सारी की सारी, आपको बस एक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग कि हाँ इसमें कम टाइम लगने वाला है क्योंकि यहां से ज्यादा आता है, यानी अब मेरे को सर सिर्फ 18 नंबर के लिए महीने भर मेहनत करनी है। हाँ ऑब्वियसली हमारी कोचिंग में रे और वेव ऑप्टिक्स नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रोटेशनल मोशन डाल दो, बड़ी यूनिट होना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। आखिरी के 5 मंथ है बेटा, यही वो टाइम है जब तेरे को 100% अपना देकर मेहनत करके अपने आप को प्रूफ करना है। अगर आज आपके मन में ये आ रहा है कि यार अगले साल करता हूं ना, तो बेटा अगले साल सेम टाइम पे सेम चीज तेरे मन में आएगी कि यार अगले साल करता हूं। ध्यान रखना है, अभी करना है, आज से करना है। ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आपको चीजें इजी लगने लगेंगी कि हाँ यार 5 महीने में भी नीट में 160 से ज्यादा नंबर आप ला सकते हो और वो भी इजीली, बस आपको एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी चाहिए, वो मैं आपको बना के दे रहा हूं, आपको बस उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। रेडी है? चलिए आइए बताता हूं बेटा, आपको हर महीने 30 नंबर टारगेट करने हैं। यार कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, फिजिक्स के अंदर कुछ छोटे चैप्टर है जिनसे ज्यादा मार्क्स आते हैं और कुछ बड़े चैप्टर है जिनसे कम मार्क्स आते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं हर मंथ आप कौन कौन से, उनकी लिस्ट बना के देने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर आप कर सकते हो, लेकिन द थिंग इज 30 नंबर, यानी कि आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जिसमें हर मंथ का टारगेट रहेगा और उस मंथ के टारगेट में आपको वो कंप्लीट करना है। अब 30 नंबर अगर मेरे को लेने हैं तो बहुत सिंपल सी चीज है कि यार अगर मैं एक ऑप्टिक्स और एक रोटेशनल मोशन और एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट उठा लूंगा तो मेरा 1.5 महीना निकल जाएगा, लेकिन सर 30 महीने नहीं हो पाएंगे, 30 नंबर नहीं हो पाएंगे। तो बहुत आसानी से सुनो, मैं आपको लिस्ट बना के दे रहा हूं सारी की सारी, आपको बस एक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग कि हाँ इसमें कम टाइम लगने वाला है क्योंकि यहां से ज्यादा आता है, कम टाइम और ज्यादा आ रहा है तो वो समय बचा देगा आपके बड़े बड़े चैप्टर्स के लिए। आइए देखते हैं, सबसे पहला 30 मार्क्स पर मंथ के लिए आपको जो रीस्टार्ट करना है बच्चों, पहले मंथ में आपको करना है, देखिए मैंने आपके सामने टॉपिक्स लिख दिए हैं। मंथ वन में एक्चुअली ये 30 मार्क्स से ज्यादा की बातें कर रहा हूं, 160 प्लस लेके आना है ना, मैं तो आपको एक राउंड ऑफ बता रहा हूं कि आप 30 मार्क्स पर मंथ करिए। अब अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात कर दो, मॉडर्न फिजिक्स ही 30 नंबर की हो जाती है, लेकिन मैंने इसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ऐड कर दिया, क्यों? मॉडर्न फिजिक्स तो आप एक हफ्ते में कर लोगे। सर कैसे करेंगे मैं बताता हूं बेटा, आपको अगर आप देखोगे तो आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स की कंप्लीट 100% प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखी हुई है, आपको कुछ नहीं करना है यार, ये देख लो और आप डेली एक वीडियो देखोगे ना, एक दिन में आप डुअल नेचर निपटा दो, दूसरे दिन आप एटम निपटा दो, तीसरे दिन न्यूक्लियाई निपटा दो, चौथे दिन लॉजिक गेट्स निपटा दो, पांचवे दिन सेमीकंडक्टर निपटा दो। ये लीजिए जनाब, आपके लिए आ गया है सेमीकंडक्टर का वीडियो जो कि 2 दिन बाद यानी थर्सडे के दिन शाम में 7 बजे लाइव लूंगा और आपकी मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। यार एक हफ्ते में मॉडर्न फिजिक्स हो गया, 30 नंबर कंफर्म, लेकिन मेरे को महीने का टारगेट कंप्लीट करना है, तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब मैं यहां पर बड़े चैप्टर दूंगा सच दैट आप इनका रिवीजन करके अच्छे से इनको कंप्लीट कर सको, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। सर हमारी कोचिंग में रे और वेव ऑप्टिक्स नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप यहां पर रोटेशनल मोशन डाल दो, बड़ी यूनिट होना चाहिए, ध्यान रखना रे ऑप्टिक्स एक बड़ी यूनिट है, 14, 15, 17, 18 लेक्चर की यूनिट है, आप समझो 18 लेक्चर तक चले जाती है। सिमिलरली आप यहां पे रोटेशनल मोशन डाल दो, वो तो हो गया होगा फॉर श्योर, तो आप रोटेशनल मोशन कर लीजिए। ऐसे ही दूसरे मंथ की लिस्ट थर्मल प्रॉपर्टीज थर्मोडाइनेमिक्स केटीजी, बच्चों ये आपका थर्मल फिजिक्स का पार्ट है। अब यहां से 5 क्वेश्चन कंफर्म हो गए, 5 चौके 20 नंबर आपके कंफर्म हो गए, राइट नाउ अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा सॉलिड से, एक क्वेश्चन आएगा फ्लूइड से, तो ओवरऑल आपके नंबर मैनेज हो रहे हैं। इस मंथ में आपने थोड़े ज्यादा मार्क्स का कर लिया था, इस मंथ में 2 मार्क्स कम का कर लिया क्योंकि एक और एक आते, तो अराउंड 28 मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हमने लास्ट मंथ ज्यादा किया था, लेकिन टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं और हमारा एवरेज टारगेट 30 नंबर
पर मंथ का चल रहा है। सिमिलरली आप अगर थर्ड मंथ में देखोगे, एक दिन में आप बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट निपटा सकते हो और पूरे 3 क्वेश्चन आप इसके कंफर्म करके आ सकते हैं। सर एक दिन में कैसे करेंगे, मैं बताता हूं। अगेन बच्चों आपके लिए महातोड़ बैच में यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी करवा के रखा हुआ है। 4 घंटे 44 मिनट का कंप्लीट लेक्चर है, आप जाकर देखोगे ना तो आपका इजली एक दिन में आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म हो जाएगा और आपके 12 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। यानी अब मेरे को सर सिर्फ 18 नंबर के लिए महीने भर मेहनत करनी है। हाँ ऑब्वियसली अब कुछ बड़े टॉपिक्स लेना पड़ेंगे, जैसे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन और NLM, ये तीनों आपको एक साथ पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, बेसिक्स बनाते हैं। अब भी आपके पास टाइम बचता है 3 से 4 दिन का, तो आप करेंगे अल्टरनेटिंग करंट और आप देखोगे आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा और इसमें आपके बेसिक बनेंगे। अब आता है मंथ 4, ध्यान रखना ये 3 आपको एक साथ करने हैं। मंथ 4 की अगर बात करता हूं, वर्क फॉर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन। अब यहां पर आप देखोगे वर्क फॉर एनर्जी, रोटेशनल मोशन बड़ी यूनिट है, तो मैंने एक दिन में करने वाली आपकी ईएम वेव्स ला दी। ईएम वेव का भी महातोड़ में नेक्स्ट ला दूंगा अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हां सर, क्योंकि ईएम वेव से एक क्वेश्चन आना 100% कंफर्म है। तो यार आपके लिए सारी चीजें कर दी है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आप एक दिन में ईएम वेव करके 4 नंबर हासिल करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। 5, इस वीडियो के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, रुकिएगा। मैंने बेटा 5th मंथ थोड़ा सा एक्सटेंडेड रखा हुआ है, रीजन बीइंग जैसे जैसे नीट का टाइम पास आएगा आपके स्टडी आर्क भी बढ़ते जाएंगे। अब दिक्कत यह है यहां पर सारे बड़े चैप्टर हैं, बट द थिंग इज इनको आप अलग अलग कर नहीं सकते, ये चीज है, दीज आर इंटरकनेक्टेड। तो पूरा जैसे जैसे आप एक टॉपिक के बाद, आपको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है तभी आपको पोटेंशियल समझ आएगा, पोटेंशियल पढ़ोगे तभी करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ आएगा, फिर उसके बाद करंट के पूरे पूरे कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में लगते हैं और EMI। तो लास्ट मंथ मैंने आपका थोड़ा सा एक्सटेंडेड रखा है। अब सर जो आप कह रहे थे इस वीडियो के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आने वाली है बच्चों, समथिंग बिग इज कमिंग ओवर द 9th of December, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, नीट काका जी की टीम ने कुछ ऐसे देने का वादा करने वाली है कि आप भी बोलोगे कि हाँ सर, दिस वॉज रियली समथिंग बिग। ध्यान रखिएगा #restart, प्लानिंग हम करेंगे, टारगेट्स हम देंगे, सारी चीजें हम बताएंगे, मेहनत आपको करनी है। टेलीग्राम के ऊपर हम डेली टारगेट देना स्टार्ट कर दिए हैं, अब आपको सिर्फ मेहनत करनी है और वो आपको ही करना पड़ेगी। सब चीज हम बताएंगे, नीट काका जी की टीम आप लोगों के लिए बच्चों दिन रात काम करेगी नीट 24 फोड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।